पहुंचे बच्चों पर अब विवाद छिड़ गया है। दरअसल स्कूल शिक्षिका ने बच्चों को तमाचा जड़कर धमकाया है और ये भी कहा है कि ये तिलक यहां पर नहीं चलेगा, मुंह धोकर आओ, तिलक लगाकर यदि कोई आया तो उसे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने अब इस पर नाराजगी जताई है। परिजनों की बहसबाजी का नतीजा नहीं निकल पाया। दरअसल श्री बाल विज्ञान शिशु विहार स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तिलक लगाकर आने वाले बच्चों पर अब विवाद छिड़ गया है। दरअसल तिलक लगाने पर बच्चे स्कूल पहुंचे और वहां जो शिक्षिका थी उसने बच्चों को तमाचा जड़ दिया और धमकाया कि मुंह धोकर आओ और इस तरह से तिलक लगाकर स्कूल आने पर नहीं चल पाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरा मामला निकलकर सामने आया, जिसमें बच्चे और बच्चों के जो परिजन है उन्होंने गंभीर रूप से स्कूल के ऊपर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि श्रावण का महीना चल रहा था, बच्चे मंदिर जाते हैं और मंदिर से सीधे वो स्कूल जाते हैं, लेकिन उस समय ये घटनाक्रम हुआ जब बच्चे तिलक लगाकर स्कूल में प्रवेश किया। उसी दौरान जो स्कूल के जो टीचर है उन्होंने बच्चे के साथ बदतमीजी की और उसके साथ उन्हें तमाचा भी मारा था। इसके बाद कहीं ना कहीं पर जो बच्चे हैं वो अपने परिजनों से संपर्क किया और परिजन खुद वहां मौके पर पहुंचे थे। बाल विज्ञान स्कूल की ये पूरी घटना बताई जा रही है और धार रोड की ये पूरी घटना है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा किया। इस पर जो प्रिंसिपल है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर किसी भी धर्म बात नहीं चलेगा, जिसमें जो बच्चे तिलक लगाकर आ रहे हैं वो तिलक लगाकर ना आए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बोला है कि बच्चे अगर तिलक लगाकर आते हैं तो पहले उन्हें मुंह धोना पड़ेगा और उसके बाद जो स्कूल में उसमें प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर या तिलक लगाकर स्कूल में पहुंचने पर बच्चों की TC उन्हें दे दी जाएगी, इस तरह की जो प्रिंसिपल है उन्होंने वहां पर बातें की थी। बाद मौके पर हिंदू संगठन के साथ ही RSS और बजरंगदल के जो लोग है वो मौके पर लगातार जिस तरह के मामले भी सामने आए थे, इससे पहले भी स्कूल में प्रवेश को लेकर, स्कूल के ड्रेस को लेकर भी तमाम तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।